नमस्कार, स्वागत है प्याज वेज किचन में। सबसे पहले तो सभी देखने वाले व्यूअर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। तो जैसा कि हम सब नवरात्रि पे अलग अलग भोग पकवान बनाकर माता रानी को भोग लगाते हैं, तो कहते हैं कि सूजी का शीरा माता रानी को बहुत प्रिय है। तो चलिए आज हम वही बनाकर दिखा देखते हैं। शीरा बनाने के लिए हमको इन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये 1 कप सूजी और ये 1 कटोरी, छोटी कटोरी में चीनी, और ये आधा कप घी, और ये घिसा हुआ कोकोनट, और ये 1 चम्मच कटा हुआ काजू, और ये किशमिश 20-25 दाने, और ये इलायची पाउडर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे शीरा? अब हम डाल लेंगे इसमें घी, जितना सूजी होगा उसके जस्ट हाफ हम देसी घी ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये सूजी। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमें इनको भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच करके हम नहीं भूनेंगे, क्योंकि शीरा जब भी हम बनाते हैं तो इसका ख्याल ज़रूर रखें कि ये भून भी जाए और बहुत ब्राउन नहीं हो, इसलिए इसको बहुत पेशेंसली इसको भूनना होगा। अब ये हमारा सूजी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हल्का ब्राउन हो चुका है। इसको बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल धीरे धीरे इसको बहुत पेशेंसली इसको भुनना है। और जब इस स्टेज पर आ जाए, आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है, तो इसके बाद अब हम इसमें मिलाएंगे दूध, इसमें डाल देंगे हम 2 कप दूध, और इसके बाद डालेंगे हम ये 1 कटोरी चीनी, और अब इसको हम धीमी आंच पर ही, अब इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। को लगातार चलाते रहेंगे और बीच बीच में हम 1-1 चम्मच के अंदर घी को डाल डाल कर और तब इसको चलाएंगे। हमारा जब शीरा इस स्टेज पर पहुंचेगा तो इसके बाद हम डाल देंगे ये घिसा हुआ नारियल और काजू, किशमिश और ये इलायची। अब सबको डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। अब बस हमारा ये शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे इसको एक दूसरे बर्तन में। अब हम निकालेंगे दूसरी प्लेट में। पैन से निकाल कर हम दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर देंगे। बस बिल्कुल दूसरे प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा बादाम फ्लेक डाल देंगे। तो बस थोड़ा सा बादाम फ्लेक और थोड़ा सा कोकोनट,
ऊपर से डालकर बस तैयार है हमारा भोग प्रसाद। ये माता रानी को बहुत प्रिय है ये प्रसाद। तो चलिए ये देखिए हमारा ये भोग थाल माता रानी का बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको हमारे ये हमारे बनाए हुए तरीके से जो हमने ये शेरा बनाया, तो बस ये हमारा माता रानी का भोग थाल प्रसाद बिल्कुल तैयार है। माता रानी को ये हलवे का भोग, हलवा या शिरा जो आप कहते हैं, इसका भोग माता रानी को बहुत प्रिय है। तो आप मेरे बनाए हुए तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो हमारे बनाए हुए तरीके से बनाकर देखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी शीरे की। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।